सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बा तू। पलना वालों निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल हमने रंग महल की, ये रंग महल का निशान दिख रहा है, रंग महल की पश्चिम दिशा में नूरबाग की शोभा को समझा था, जो जमीन से आया है और कैसे सात बन आगे आए दक्षिण की दिशा में बट पीपल की चौकी। तो ये पहली परिक्रमा किस तरह से होती है, इस तरह से सबसे पहले ये रंग महल की, ये सामने हम यहाँ से शोभा को देखते हुए चांदनी चौक की शोभा को देखा, ये लाल हरा वृक्ष की शोभा को देखा, सात बन रंग महल के सामने, दोनों बनों की शोभा, केल पुल, बट का पुल, ये हमारा पाट घाट, ये बन सात बन। फिर उसके बाद इधर से मुड़ के हम 16 हास के 6 बच्चे पर, ये पूरी परिक्रमा कैसे चल रही है, 16 हास के 6 बच्चे की शोभा को देखा, फिर मुड़कर आ गए इधर बट पीपल की चौकी की शोभा, 1500 मंदिर कलंबा और 500 मंदिर की चौड़ी चौक, और उसके बाद ये हमारा पीछे पश्चिम की दिशा, नीचे नूरबाग, ऊपर फुलबाग, ये शोभा आएगी, नीचे नूरबाग है और ये ऊपर फुलबाग की शोभा। तो इसकी शोभा आज हम फुलबाग की शोभा को समझेंगे, फुलबाग में क्या स्पेशल आया है जो नूरबाग में नहीं है, और जो नूरबाग में क्या स्पेशल है जो फुलबाग में नहीं है, मिलती जुलती शोभा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम फुलबाग की शोभा को अभी देखते हैं, फिर दोनों का अंतर भी देखेंगे कि कैसे अंतर आया है। तो सबसे पहले फुलबाग की हम एक चौपाई पढ़ेंगे, परिक्रमा ग्रंथ से परिक्रमा प्रकरण नंबर 10 चौपाई नंबर 5। बाग बने फूलन के लगत झरोखे दीवाल, जब आवत हैं इन छज्जों रूहे इत होत खुशाल, रूहे इत होत खुशाल। रंग महल की पश्चिम दिशा के बाहरी हार मंदिर की दीवालों तथा झरोखों से लगते हुए ठीक सामने फूलों के बाग आए हैं। जब सखियां इन बाहरी हार मंदिरों के झरोखों में आकर सामने दृष्टि गोचर होने वाले फूल बाग का अति मोहक दृश्य देखती हैं, तो आनंद के सागर में डूब जाती हैं। तो जैसे झरोखों से मिलान हमने बट पीपल की चौकी पे अलग तरह से मिलान की 22 सीढ़ी ऊपर चढ़ के, और जैसे सात बन का मिलान देखा था झरोखों से, सेम वैसे ही फूल बाग का भी मिलान होगा। ये उसकी चौपाई है, ये दूसरी चौपाई देखते हैं। जो लगया चबूतरे चह बच्चे बुजरक बड़ा विशाल, जो लगया चबूतरे चह बच्चे बुजरक बड़ा विशाल,
प्रकरण नंबर 10 चौपाई नंबर 9। उतरता जल इतथे नहरें चलत इन हाल। ये नहरों की बात आगे भी हुई थी 16 हंस के बच्चों में। रंग महल के चबूतरे से लगते हुए नैऋत्य एवं वायव कोने में 16 16 हंस के 2 चह बच्चे आए हैं। ये दोनों चह बच्चे आकृति में अन्य चह बच्चों की अपेक्षा बहुत बड़े हैं। अन्य चह बच्चे कौन से हो गए? जो फूलबाग में और भी नहरों के साथ नूरबाग में जो देखे थे छोटे बगीचों में छोटे चह बच्चे, और जो नहरों के चारों तरफ चह बच्चे हमने देखे थे उसके अकॉर्डिंग ये दोनों 16 हंस के चह बच्चे बहुत बड़े आए हैं। इन दोनों चह बच्चों से फूल बाग की नहरों में जल प्रवाहित होता है, यानी वो जो बड़े चह बच्चे हैं कोने पे उनसे ही सारा जल फूल बाग में जाता है, यानी कि नहरें चलती हैं। जब अपने सामने वाला जो अगिन कोने का वो भी चौपाई थी कि अंदर कितनी नहरें चलती हैं, तो वो अंदर वाली नहरें 7 बन की तरफ जल जाता है, पट पीपल की चौकी पे भी जल जाता है, तो ऐसे ही नैऋत्य कोने वाले चह बच्चे से और वायव कोने वाले चह बच्चे से दोनों चह बच्चों से जल नूरबाग और फूलबाग में जल जाता है। बुजरक एवं विशाल शब्द समानार्थक हैं, इनमें मात्र भाषा का भेद है। हिसाब नहीं फूलन को हिसाब न चित्रा मन, हिसाब नहीं खुशबोई को हिसाब न रंग रोशन। इस फूल बाग में इतने फूल हैं कि इनकी गणना ही नहीं हो सकती। उन फूलों की आकृति भी इतनी है कि उनकी कोई सीमा नहीं है, अर्थात वहां अनंत आकृति वाले फूल विद्यमान हैं। इन फूलों से निकलने वाली अनंत सुगंधि की भी कोई माप हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार उन फूलों के जगमगाते हुए रंगों की भी गणना हो पाना संभव नहीं है। तो फूलबाग की शोभा का ये वर्णन है। अब फूलबाग की शोभा को देखते पहले हम नूरबाग की शोभा में जो खिड़कियां बताई थी 10 खिड़कियां, उसकी शोभा का एक नक्शा बन के आ गया है, जो मैं कल कह रही थी उसको और अच्छे से कि वो कैसे 10 खिड़कियां आई थी, उस शोभा को समझते हैं, फिर उसके बाद फूलबाग चलेंगे। ये 10 खिड़कियां, ये वाली, ये फूलबाग का कौन सा कोना है? अगिन, और ये ईशान फूलबाग का। रंग महल का ये नैऋत्य और वायव है, और फूलबाग का अगिन और ईशान, क्योंकि इधर भी चह बच्चा है। इस चह बच्चे की बात हो रही थी अभी चौपाई में कि सारा जल इसका यहां से आता है, मतलब इन चह बच्चों से सभी नहरों में जल जाता है। तो ये हमारा अगिन चह बच्चा, इधर से ये 10 खिड़कियां, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 खिड़कियों का जो वर्णन आया है, ये कैसे हमारी जो मंदिरों की हार है, बाहरी हार, जो 6000 मंदिरों में कैसे खिड़कियां आई हैं, जो 73 साढ़े 73 मंदिर छोड़कर जो सांझी दीवार आई थी उसकी शोभा एक नक्शे के द्वारा हम देखते हैं। पहले तो ये शोभा सबको समझ में आ गई कि कैसे खिड़कियां आई हैं, अब एक नक्शा जो बन के आया है उसको देखते हैं। ये हमारी परिक्रमा रोस, ये धाम चबूतरा नूरबाग में, ये जो चबूतरा है नीचे, उस चबूतरे का निशान है पशु पक्षियों के जो उस पर अपने चित्रकारी की हुई है, ये सब चेतन है ये। और ये जो पहली खिड़की, मतलब एक खिड़की का वर्णन जिसमें से सीढ़ी उतर रही है, तो सामने
रौस जो आएगी, 33 मंदिर की रौस है, फिर फुलवारी है, ये बीच में नहर के बीच में ये पुल का निशान, ये पुल बना हुआ है, पुल पार करके हम सामने बगीचे में जा सकते हैं। तो ये खिड़की, और ये हमारी परिक्रमा रौस, कितने मंदिर की थी ये परिक्रमा रौस? एक मंदिर की। अब ये निशान दिया है हमारे मंदिरों का, ये मंदिरों का। अब इसको हमने ऐसे समझना है कि जैसे ये दो, ये हमारी पाखे की ये वाला मंदिर, इन दोनों मंदिरों की जो बीच की दीवार है वो इतनी चौड़ी है, यानी कि उसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा है, जहां से सीढ़ी उतरनी है वैसे हर मंदिर, हर जगह सीढ़ी नहीं उतरती है, जिस जगह सीढ़ी उतरेगी, यानी कि जो 10 सीढ़ियां उतरनी है, उनकी जो दीवार है दो मंदिरों की, 73 और 74 मंदिर की, ये दो मंदिरों की दीवार आपस में जो है ना, ये चौड़ी है। तो अब ये चौड़ी दीवार में क्या है, ये दो दरवाजे निकल आए और बीच में एक चौक बन गया। ये देखो, ये जो चौक बना है, इस चौक से अंडरग्राउंड सीढ़ी जा रही है नीचे हमारे इस चबूतरे, मतलब कि जो एक भौम ऊंचा जो हमारा चबूतरा है, धाम चबूतरा, उसके अंदर से ये सीढ़ी उतरी। ये देखो, इतनी चौड़ी दीवार है दो मंदिरों को जो जोड़ती है, वैसे सिंपल दीवार होगी दूसरी जगह, लेकिन जहां सीढ़ी आनी है उसकी चौड़ाई ज्यादा है, क्योंकि बीच में सीढ़ी निकालनी है, तो एक चौक बन जाता है उस दोनों के बीच में। तो अंडरग्राउंड सीढ़ी उतरेगी, ये देखो, ये पारदर्शी सीढ़ी इसलिए दिखाई है कि इस चबूतरे के अंदर से अंडरग्राउंड जा रही है, उसमें 100 सीढ़ियां, और ये चांदा भी बनाया है, चार चांदे और 100 सीढ़ियां अंडरग्राउंड उतरती हैं ऐसे, और इसके अंदर से ये पहली जो हमारी इस चबूतरे के अंदर ऐसे मेहराब भी बनेगी, तीन छोटी मेहराब के अंदर से ये सीढ़ी निकल के हम सामने नहर के सामने उस पुल को पार करेंगे तो नूरबाग पहुंच जाएंगे। सोनू, कुछ समझ में आई ये वाली पिक्चर? हाँ जी, अभी मैं तुमसे बात कर पा रही हूँ कि भाई ये पिक्चर क्लियर हो रही है कि ये हमारे पाखे की दीवार, यानी कि दो मंदिरों को जो दीवार जोड़ती है, जहां से सीढ़ी निकली है वो दीवार की चौड़ाई ज्यादा है, जहां चौड़ाई ज्यादा है उसमें दो दरवाजे, एक दरवाजा ये एक ये, बीच में एक चौक बन गया, चौक के पश्चिम दिशा से अंडरग्राउंड नीचे सीढ़ी जाएगी, जो हमारा धाम चबूतरा है, अंडरग्राउंड होते हुए ये उस चबूतरे के पिठोर से, यानी कि पीठ से सीढ़ी निकल आएगी इस तरह से, और कहाँ हम पहुंच जाएंगे, बाहर इस नहर के सामने सीढ़ी निकलेगी। कोई नहर के सामने निकलेगी, कोई हमारा चय बच्चा सामने नजर आ रहेगा, तो ऐसे 10 सीढ़ियां टोटल निकल आती है। तो अब यहां से यदि फूलबाग जाना है तो हम नूरबाग के बगीचों से होते हुए पुल को पार करो, पूरा तीन सीढ़ी ऊपर चढ़ो, अंदर होते हुए मंदिर के अंदर पहुंच जाओ और फिर बाहर निकल आओ, तो हम बाहर निकल के फूलबाग में पहुंच सकते हैं। तो फूलबाग हम पहुंच रहे हैं, नूरबाग से फूलबाग। अब चलते हैं फूलबाग की शोभा को समझते हैं। ये फूलबाग हमारा, इसमें फर्क कुछ नहीं, जो थोड़ा बहुत फर्क है वो बताएंगे हम, बाकी सेम शोभा हमारी रहेगी कि 1500 मंदिर का लंबा और 1500 मंदिर का चौड़ा, क्योंकि छत उसके ऊपर जितनी डलेगी उतनी ही ऊपर छत डल गई, नूरबाग के थंबों के ऊपर छत डल गई, और क्या है, एक एक मंदिर का ये छज्जा आगे बढ़ेगा ये वाला, क्योंकि हमारा मिलान इसका कहाँ से होना है, कोई सुंदर साथ बताएंगे कि तीन इधर की साइड क्या चल रहा था, हमारे क्या शोभा चल रही थी, फुलबाग से इधर क्या चल रहा है, वो छज्जा क्यों बड़ा है, इसीलिए मुझे रीजन बताना है कि वो जो छज्जा बड़ा है तो कोई रीजन है छज्जा बढ़ने का, तो वो किससे मिलान होगा, इधर क्या चल रहा था, किधर से घूम के कौन से वृक्ष आ रहे हैं, सुंदर साथ को याद होगा ये वाली बात।
विकी दीदी अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी वो दीदी वो बड़े बड़ों वन के वृक्षों से के छज्जों से मिलान होएगा। तो बड़े वन कितने भौम जा रहे हैं? वो 5 भौम। 5 भौम, ठीक है। वो छज्जा इसीलिए बढ़ाया है कि हमें इससे मिलान करना है। छज्जा बढ़ेगा, नूरबाग की छत ही ऊपर से ये बड़ी है, तो हम फूलबाग के ऊपर पहुंच गए। उसी सीढ़ी से जहां से अभी हमने नक्शा देखा, वहां से नूरबाग से अब हम कहाँ आ गए हैं? फूलबाग। अब फूलबाग में इधर से हम जैसे अंदर से आए, मंदिर की हार को पार किया, इस दरवाजों से बाहर निकले, तो मुझे क्या दिख रहा है? मैं इस रॉस पे खड़ी हूँ। अब अलग चीज क्या दिख रही है हमें? 3,000 ये छह बच्चे नजर आ रहे हैं। छह बच्चे मीन्स फुहारे, 3,000 फुहारे नजर आ रहे हैं जो बिल्कुल सामने ही चलते हैं। यहाँ पे जो नहर का चबूतरा उठेगा, नहर बनेगी, बगीचे वैसे ही बनेंगे, 100 बगीचे, 150 मंदिर के लंबे चौड़े वैसे ही, लेकिन स्टार्ट में ही हमारे 3,000 बगीचे, 1,500 हमारे मंदिर है ना, तो एक एक मंदिर के सामने एक एक पूरा एक एस्टिमेट सा वो बन जाता है कि 2 फुहारे एक मंदिर के सामने आ जाते हैं, तो 3,000 हमारे फुहारे सामने ही पड़ेंगे। तो ये और बगीचे की शोभा वैसे ही सेम आएगी, और ये एक एक मंदिर का जो छज्जा बड़ा है, अब इसका मिलान, जैसे इधर से छज्जा बढ़ गया, इधर से हमारे बड़ों वन के वृक्ष जा रहे हैं, उनकी डालियों ने भी इधर से मिलान कर लेंगे, तो हम जैसे ही फूल बाग में पहुंचते हैं तो इन छज्जों के द्वारा बड़ों वन में भी झूला ले सकते हैं, इधर से इधर आ सकते हैं। ये देखो अगिन का, अब इस जो अगिन कोने का चह बच्चा है, ये यहाँ फूल बाग में सब खुल जाएंगे। नूर बाग में क्या दिख रहा था हमें? उसकी दीवार दिख रही थी, और फूल बाग में सब ये खुल जाएंगे, और इस पर फूल बाग की वृक्षों ने भी इधर छाया डाली है, और बड़ो वन के वृक्ष ने भी छाया डाली है। और अगिन के पास इधर क्या चल रहा है? दक्षिण की दिशा में क्या आ रहा था हमारा? जल्दी से सुंदर साथ सोच के बताएंगे। दक्षिण की दिशा में इधर से हम क्या, कहाँ से होके आ रहे हैं, और किसकी छाया पड़ेगी? इधर बड़ो वन के वृक्ष और इधर फूलबाग की छाया पड़ी। प्रणाम जी, हमने प्रणाम सुंदर साहब जी, जी। यहाँ दक्षिण की तरफ बट पीपल की चौकी आई है, बट और पीपल के वृक्ष की छाया पड़ेगी 6 बच्चे पर। बट और पीपल दोनों की, कितने पेड़ों की छाया पड़ेगी? एक एक ही पेड़ एक की? बट का होगा, एक पीपल का, एक बट का, एक पीपल का। नहीं बेटा, जो छाया पड़नी है ना, सिर्फ एक ही वृक्ष की, सिर्फ, अच्छा, हाँ जी, ठीक क्योंकि बेटा बहुत दूर है ना, बट का पेड़ कहाँ, पीपल का पेड़, 100 मंदिर हाँ का जी, हाँ जी, चौक है ना, वो दूर है। हाँ जी, सिर्फ एक पेड़ ही उधर से 22 सीढ़ियां छाया बढ़ा के इस छह बच्चे पर छाया, सिर्फ ओनली वन। जैसे अगिन का था रंग महल का जो छह बच्चा हाँ था, जी, उसमें भी एक ही पेड़ की छाया थी, तो इस पर भी हमारे एक ही पेड़ की छाया पड़ेगी, बट का एक ही वृक्ष, क्योंकि दूरी बहुत है। तो बाकी के जो ये बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं, वो 3 हैं कि 4 हैं, उनकी छाया पड़ेगी जो इसके साथ लगते हैं, और फूल बाग के यहाँ पे जितने इस लाइन के इधर हैं, उधर उसकी पूरी छाया उस पर पड़ेगी। और हमारे जो फूल बाग के हमारे भौमे हैं, वो हैं 2 भौम तीसरी चांदनी, इसकी ऊंचाई यानी कि पेड़ों की। और इनकी भी 13 की 13 हारे, यानी कि एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे। नक्शा देखते जाते, सेम वैसी शोभा, ये बड़े बगीचे के 16 छोटे बगीचे, और छोटे बगीचों में 13 की 13 हारे, सेम शोभा जैसे नूरबाग की हमने समझी थी कि चारों दिशाओं में बड़ी नहर और बड़े छह बच्चे और 16 छोटे बगीचे जिनमें छोटी नहरें और 9 छोटे
छह बच्चे, तीन की तीन हारे नहरों की और नौ छोटे छह बच्चे। अब ये देखो, ये जो छज्जा बड़ा है मंदिर भर का, यानी कि एक मंदिर का सब दिशाओं में, सबसे मतलब खाली पश्चिम दिशा नहीं, हमारी उत्तर, दक्षिण और फूलबाग की पूरब, फूलबाग की सॉरी पश्चिम की दिशा, ये वाली, ये तीन दिशाओं में छज्जे, ये अलग कलर के दिख रहे हैं ना, ये छज्जे तीनों, मंदिर भर का चौड़ा छज्जा। अब ये नहर बनी हुई है, नहर से तीन तीन सीढ़ियां इस छज्जे पर उतरी है, और हम इस छज्जे से होके इस सोलह हाँस के छह बच्चे की परिक्रमा पे भी हम जा सकते हैं, जो चारों कोनों पे हैं। इन छज्जों से होके हम इन सीढ़ियों से नीचे उतर के भी नूरबाग जा सकते हैं। नूरबाग का रास्ता अब कैसे हो गया, कितनी तरह का हो गया, एक तो हम सोलह हाँस के छह बच्चे से तीन सीढ़ी नीचे उतरो तो नूरबाग पहुंच जाए, और क्या तरीका होगा, बड़ो वन के जो वृक्ष हैं उनके अंदर भी सीढ़ियां हैं, यहाँ से आप बड़ो वन पहुंच जाओ, उनके अंदर सीढ़ियों में जाओ, नीचे पहुंच जाओ तो नूरबाग पहुंच जाएंगे। और क्या है, मंदिरों से अंदर जाओ, अंडरग्राउंड सीढ़ियों से जाओ तो नीचे नूरबाग पहुंच जाएंगे। तो हर तरह से तीन चार जो हमारे रास्ते हैं उसमें नूरबाग जा सकते हैं, और बट पीपल की चौकी से भी हम नूरबाग घूम के नीचे से जा ही सकते हो। तो और रौंस पूरी हमारे बगीचे में है क्या, रौंसे, नहरे, चह बच्चे, सीढ़ियां और फुलवारी, ये शोभा आई हुई है, जैसे नहर के आसपास फुलवारी और रोंसों की यानी कि फुलवारियों के बीच में रास्ते, पौने तीन मंदिर की पूरी ये जगह ली है, बीच में नहर और रास्ते भी हैं और फुलवारी भी है। इस तरह से ये फुलवारियों की शोभा। अब पूरी गिनती भी लिखी है, सुंदर साथ चाहें तो अपना नक्शों में पढ़ सकते हैं कि किस तरह से कितने 590 मंदिर, 66 हाथ की लंबी फुलवारी, वो जिनको ज्यादा अंदर तक है, दिल करता है राज्य उनको डालना चाहते हैं, तो वो गिनती भी अपने राज्य की बड़ी वृत्त में समझ सकते हैं। अब यहाँ पे नहरों की सीढ़ियां भी बनाई हैं, ये ब्लू कलर में, रौंस पूरी डार्क कर दी कि ये पूरी रौंस है, रास्ता है, यानी कि पूरा बीच में रास्ता चल रहा है, और नहर के साथ ये ब्लू कलर की सीढ़ियां उतरी हुई हैं, और यहाँ से गोल सीढ़ियां, इस छह बच्चे के अंदर गोल सीढ़ियां। जिस तरह से नूरबाग में बड़े छह बच्चे थे, वही सेम बड़े छह बच्चे। ये फूलबाग के पूरे चारों छह बच्चों का जो वर्णन, अगिन, ईशान, अगिन, नैरित, वायव और ईशान, छह बच्चे, और बीच में ये छोटे बगीचे, छोटी नहरें, छोटे छह बच्चे। अब एक बड़े बगीचे का बिल्कुल अच्छे से बयान कर दिया, चारों तरफ से देखो सीढ़ियां गोलाई में, ये सीढ़ियां और छोटे जो डॉट डॉट्स लग रहे हैं, ये पूरे हमारे वृक्षों की तेरह हारे, और ये कहाँ का निशान है, सुंदर साथ को समझ आ रहा है, यानी कि मैं देखना चाह रही हूँ ये नक्शे समझ आते हैं डॉट डॉट्स वाले, ये क्या है का निशान है, ये वाला, यदि सुंदर साथ को समझ आ रहा है तो बता सकते हैं ये किस चीज का निशान है। नीलू जी अनम्यूट करें। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, ये छह बच्चे हैं, 3000। 3000 छह बच्चों के, जो बिल्कुल सामने पड़ती है नहर के, ये 3000 छह बच्चों का निशान है, ये छोटी नहरें पूरी और ये छह बच्चे। तो हमें इन नक्शों से ये फायदा होता है कि एक छोटी छोटी चीज भी हमें पता लग जाती है कि नहरों के ऊपर पुल कैसे आया है, सीढ़ियां कैसे उतरी हैं,
पहले नक्शे थोड़ा देखने में लगता था, लेकिन एक हम इजी तरीका समझ चुके हैं तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ सकते हैं नक्शों से। सोलह पूरे पूरे बगीचे और उसमें से एक बगीचे की शोभा, चारों तरफ नहर और चार छह बच्चे और सीढ़ियां 8 दिशाओं से। अब ये जो दिख रहे हैं हमें 3,000, ये 6 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अब और गहराई से समझना है तो पूरी अंदर की भी रो से, यानी कि नहर अंदर भी तो चल रही है ना, हमारी छोटी नहरें भी चल रही हैं, तो उसके पास भी रौंसे होती हैं। एक जो बीच वाली जो ये नहरें हैं, इनके साथ भी तो रास्ते चलते हैं ना हमारे, एक तो बाहर के रास्ते, बड़ा बगीचा बड़ी रौंसे। इस तरह से याद कर सकते हैं ना कि बड़ी नहर फुलवारियां बड़ी रौंसे और बड़े 6 बच्चे, ठीक है। अंदर जो हमारे 16 बगीचे हैं तो छोटी नहर छोटी रौंसे और छोटे 6 बच्चे, क्योंकि गिनती अभी उसमें याद करने की जरूरत नहीं कि कितने इंच की क्या आई है नहर, बस हमें शोभा दिल में बसनी है कि नहरों के पास रास्ते होंगे, फिर जो बगीचा होगा वो कमर भर नीचा होगा, तो सीढ़ियां उतरेंगी उस बगीचे में उतरने के लिए। और वृक्षों की ऊंचाई कितनी है हमारी, 2 भौं तीसरी चांदनी। और अब ये पुलों का बयान, यानी कि सब नहरों के बीच में ये पुल का निशान, ये पुल बने हुए हैं, ये रेड कलर की जो डॉट्स है ये पुल बने हुए हैं, हर नहरों के बीच में पुल। पूरा एक बड़ा नक्शा 6 बच्चों का बता दिया और एक छोटा नक्शा एक बगीचे का, पूरे 100 बगीचों के 6 बच्चे और एक बगीचे के 6 बच्चे, कोई कमी नहीं रखी है हर चीज को समझाने में कि रौंसे कैसे चल रही हैं। इधर भी हमने आगे पहले बीच की रौंसों को समझा, अब जो नहर के आसपास जो रौंस होती है उस पे ये आउटलाइन करके इन रौंसों को समझाया कि ये भी एक रास्ता होता है नहर के बीच में, फुलवारी भी कमर भर नीचे होती है और नहर के आसपास जो हमारा रास्ता है वो ऊंचा चलता है, पाल जिसको बोलते हैं। ये फुलवारियों का बयान पूरा। अब एक बात और समझनी है, हमारे नीचे था नूरबाग, ऊपर फूलबाग, उसके साथ हमारा ये 6 बच्चा लग रहा है फूलबाग के नैऋत्य कोने का 6 बच्चा। इस 6 बच्चे पर हमारे किस किस वृक्ष की छाया पड़ेगी, सब सुंदर सात नक्शा दिल में लाएं कि वो कैसे फूलबाग के बीच में से, यहाँ बीच में से क्या चल रहा था मैं बता चुकी हूँ, अन्न वन के बीच में से कौन से वृक्ष जाते हैं और यहाँ से मुड़ के, सुंदर सात को याद है तो जरूर बताएंगे कि हमारा फूलबाग ऊपर नूरबाग नीचे, तो कैसे इसके छज्जे बड़े हैं, इन छज्जों से यहाँ से अभी मैंने छज्जा दिखाया एक एक मंदिर का, जो फूलबाग का छज्जा ऊपर बड़ा हुआ है और ये 6 बच्चा आया है, तो इस पर कैसे हमारी छाया पड़ेगी, किस किस नैऋत्य जो कोना है, नैऋत्य कोने का जो 6 बच्चा है, अगिन उधर है और नैऋत्य ये और ये वायु। हाँ कोई सुंदर सा ने, हाँ हाँ बताएंगे जी, प्रणाम गैलेक्सी J6 आप बोली। जी, हाँ जी प्रणाम। बहुत दिनों बाद आए आप। अनम्यूट हो गया आपका, कोई एक मिनट हो नहीं रहा है। हाँ बात, उन्होंने हो कर गया हो गया। हो गए। हाँ जी प्रणाम जी।
प्रणाम जी। हाँ वो बड़े बड़े वन के वृक्ष की छाया पड़ेगी और फूल बाग क्या सज्जा जो मिला है उनकी छाया पड़ेगी। और किसकी पड़ेगी? यहाँ से किधर मुड़ गए ये कहाँ मुड़े हैं अपने जो पांच बड़ो वन के वृक्ष किधर की साइड मुड़े हैं? कौन सा वन आ गया यहाँ? अनवन बड़ो वन अनवन 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 है ना। अनवन का नीचे जो आ रहा है इसके वृक्ष भी एक भौम ऊंचे हैं तो उसकी छाया भी इस पर डालेंगे। ठीक है, हमें मेन पता चलना चाहिए कि नीचे क्या आया है। अनवन आया है इधर, इधर फूलबाग और इधर बड़ो वन के वृक्ष जा रहे हैं, तो जो जो जहां आता जाएगा उसकी भी छाया उसके पास पड़ती जाएगी। यानी कि इसका जो जल चबूतरा है तो ऊपर हमें उस तरह से छाया पड़ेगी। ठीक है, ये वो वाली इसीलिए पिक्चर दिखाई है कि अन्न वन चल रहा है, बीच में पांच बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं। अब ये इस तरह से दिखेगा, ये पूरी पिक्चर देखो, ये हमारी धामरोस, ये फूलबाग चल रहा है। फूलबाग के तीनों दिशाओं में इधर बीच में अनबन भी है, बीच में अनबन के भी वृक्ष हैं, तो ये इस तरह से पूरी शोभा। हर छह बच्चे का वर्णन बताया है, रंग महन के वायव कोने का छह बच्चा, इस पर भी फूलबाग और बड़ो वन के वृक्षों की छाया पड़ेगी। अब हमें अंतर समझना है, क्या क्या अंतर आया। सब सुंदर साथ को नूरबाग की शोभा का समझ में आया, वो याद है, और फूलबाग की मैंने बताई कि 3000 ये छह बच्चे, इसकी भौमें बताई, दो भौम तीसरी चांदनी इसकी, और ये छज्जा आगे बढ़ा हुआ है एक एक मंदिर का, और हमारे छह बच्चे यहाँ खुले जो नूरबाग में नहीं खुलते। तो यदि किसी सुंदर साथ को समझ में आ गया है अंतर, तो हम नूरबाग और फूलबाग का अंतर, एक एक अंतर कोई भी बता सकते हैं सुंदर साथ, तो हमें समझ में आ जाएगी क्या क्या अंतर आया है। नूरबाग में क्या है जो फूलबाग में नहीं है, और फूलबाग में जो है जो नूरबाग में नहीं है। सब सुंदर साथ तैयार रहो कि क्या 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 अंतर आया है वो हमें बताएंगे सब। वीना दीदी बताओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नूर बाग में नूर के थाम्ब आए हैं, ठीक है, जो कि फूल बाग में नहीं आए हैं। और इसके जो चार बच्चे हैं वो नीचे नहीं आए, उसकी खड़ी दीवार आई है। और नूर बाग में वो 3000 छह बच्चे नहीं आए जो पश्चिम की तरफ आए हुए हैं। सीमा सेठी जी। हाँ, एक एक बताते जाओ। हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। नूर बाग से हमें छह बच्चे की खाली दीवार नजर आएगी, और फूल बाग से छह बच्चा खुला हुआ नजर आएगा। और फूल बाग दो भौम के वृक्ष आए हैं, और नूर बाग में एक भौम के आए हैं, और नूर बाग में 33000 नूर बाग में 3000 वो छह बच्चे हैं फूल बाग में, और नूर बाग में जो नहीं है छह बच्चे नहीं आए हैं। और नूर बाग में 10 खिड़कियों का वर्णन है, लेकिन फूल बाग में 10 खिड़कियां नहीं आई है। सुषमा त्यागी जी। हाँ, आप भी बताओ क्या अंतर रह गया बाकी का। नूरबाग में वही छह बच्चे नीचे से दीवार दिखेगी उनकी, और फूलबाग में खुले दिखेंगे। नूरबाग में नूर के थंब आए हैं जो फूलबाग में नहीं आए, फूलबाग के छज्जे बड़े हुए आए हैं एक एक। हाँ जी, और 10 खिड़कियां नूरबाग में आई हैं जो फूलबाग में नहीं आई, जिसकी जगह छह बच्चे आए हैं 3000। एक अंतर रह गया, वो कौन सा रह गया? एक अंतर जो किसी ने अभी बोला नहीं है वो बताएंगे सुंदर सर।
नहर कमर भर गहरी और वेरी गुड, और नीचे नीचे भूम भर गहरी और ऊपर कमर भर गहरी, कमर भर गहरी। तो ये अंतर हो गए हमारे। अभी हमारे साथ शिनु है, फूलबाग का एक भजन हम सुनते हैं बहुत अच्छा उनसे, फूलबाग के ऊपर। सोनू शिनु को अनम्यूट करना, फिर हम चलेंगे कि हमें इनका मिलान समझेंगे। रंग महल से हम फूलबाग में दौड़ेंगे, फूलबाग से नूरबाग दौड़ेंगे, आज पूरी सैर करेंगे। पहले हम भजन सुनते हैं उनसे एक फूलबाग का। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया चले फूल बाग में, पिया चले फूल बाग में, आओ बैठे वहां फूलों की जहां, लहलाती है फुलवारियां, आओ चले फूल बाग में। पश्चिम की दीवाल से लगता हुआ फूलों की महक से महकता हुआ, पश्चिम की दीवाल से लगता हुआ फूलों की महक से महकता हुआ, चौरस है एक चबूतरार, चारों कोनों में चहबचा, कई हारे बगीचों के उज्जवलता है नहरों के, पर आत्म की खुशहालियां, चले फूल बाग में पिया, आओ चले फूल बाग में। कई कई रंगों के फूल खिले, हर डाल पात रंग नूर भरे, कई कई रंगों के फूल खिले, हर डाल पात रंग नूर भरे, आनंदित हो जाए तन मन जब ठंडे ठंडे पवन चले, कई गलियां फूल रस्ते हक हाथे रमण करते, संग साथ लिए मेहरबान, चले फूल बाग में पिया, आओ चले फूल बाग में। छह बच्चों से फवारे चले, शीतल निर्मल जलधार बहे, छह बच्चों से फवार चले, शीतल निर्मल जलधार चले, कई रंग बिरंगी किरणों के मानिंद जब आपस में हम मिले, सुंदरता यूं लगती है जो नूर की मोती है, और नूर की रंगीनियां, आओ चले फूल बाग में पिया,
करते बस पंखी मुख में श्री राज की रटना है। अटकेलिया करते बस पंखी मुख में श्री राज की रटना है। ये शोभा हक की दिल माफक और नित विहारी अपना है। अटकेलिया करते बस पंखी मुख में श्री राज की रटना है। ये शोभा हक की दिल माफक और नित विहारी अपना है। इन बागे बहारों में इन नूरे नजारों में मेरे साहिब की है खूबियां। चले फूल बाग में पिया, आओ चले फूल बाग में, आओ बैठे वहां फूलों की जहां, लहलाती है फुलवारियां। आओ चले फूल बाग में पिया, आओ चले फूल बाग में। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ फूल बाग की सैर हो गई। अब सुंदर साथ जी, हमने ये देखना है फूल बाग में जो हमारे दो भौम तीसरी चांदनी आई है, तो हम फूल बाग की रंग महल की कौन सी भौम में कैसे छज्जों का मिलान होगा। जैसे ये एक बगीचा है, बगीचे में हमारे छोटे बगीचे भी आए हैं, उनके पेड़ों से पहली भौम में किसके साथ मिलान होएगा, झरोखों के साथ। जो हमारे ये 1500 मंदिर इधर चल रहे हैं उनके झरोखों के साथ मिलान होगा, और दूसरी भौम में कैसे मिलान होगा, छज्जों के साथ। सब जगह इस तरह से शोभा आई है, तो पहली भौम में झरोखों के साथ और दूसरी भौम में छज्जों के साथ, तो इसकी हमारी है दो भौम तीसरी चांदनी। तो तीसरी चांदनी पे जब हम पहुंचेंगे तो रंग महल की कौन सी भौम में हम होंगे, कोई सुंदर साथ अपने आप बता सकते हैं कि मैं बताऊंगी कि यदि मैं इसकी चांदनी पे हूं तो रंग महल की कौन सी भूमि में जा सकते हैं हम। फूल बाग की यदि हम तीसरी चांदनी पे हैं तो रंग महल की कौन सी भूमि में होंगे हम। फूल बाग की यदि तीसरी चांदनी में है तो रंग महल की कौन सी भूम में होंगे। रेनू गिलोत्रा जी अनम्यूट कीजिए। सुदर्शन भगत जी अनम्यूट करें। चौथी भूम में होंगे हम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर सर, फूल बाग की तीसरी चांदनी पे। हाँ, तीसरी तो, चांदनी पे पुष्पा आंटी अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, बोलते जाओ आप भी। वो ये नीचे है वो भूम पर ऊंचे चौथी चांदनी। पूरा अच्छे से सोचो। हाँ, सब सोचो, वही हिसाब लगाओ। हेलो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तीसरी भूम पे आएंगे। तीसरी भूम आएगी।
हाँ जी आगे ना, अब क्योंकि एक भोम का तो चबूतरा है जहाँ पे हमारे नूर बाग की शोभा हो गई, हाँ जी, फिर तो वो लेवल बराबर ही हो गया ना पूरा सेम। हाँ, तीसरी भोम आएगी, तीसरी भोम में। हाँ आंटी आप तीसरी भोम से मेरे को लेके आ सकते हो फूल बाग में। मान लो आप राज्य का श्रृंगार करा रहे हो चबूतरे पर। मैंने कल क्लास अटेंड नहीं की आपकी। नहीं आज कल तो अपन ने करा ही नहीं था ये वाली बात, लेकिन तीसरी भोम हम कर चुके हैं ना। हाँ। तीसरी भोम में हम राज्जी को श्रृंगार कहाँ कराते हैं? वो राज्जी को श्रृंगार कराओ और फूलबाग राज्जी की बाजू पकड़ के हम फूलबाग में उनको लेकर आए, तो हम राज्जी के साथ कैसे कैसे आ सकते हैं? सुंदर साथ के साथ हम राज्जी को श्रृंगार करा के, राज्जी और श्यामा जी को श्रृंगार करा के हम चलते हैं फूलबाग। कौन लेके आएगा? सब सुंदर साथ को लेके कौन चलेगा फूलबाग में चित्रांशी के अलावा? चित्रांशी हमें मूल मिलावे से लेके गई थी ना, और कोई सुंदर साथ जो राजी और हम सबको लेके फूल बाग की सैर कराए? बाला जी अनम्यूट कीजिए। फिर से कीजिए बाला जी। बाला दीदी, बाला अनम्यूट हो नहीं हो रहा, अनम्यूट करो। बाला 108 लिखा हुआ है। हाँ जी। कैमरा ऑन करो, सबसे पहले तो कैमरा ऑन करो सुंदर सार। किरण जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी हो गया। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। मैं तो सुपार में बैठ के आऊंगी। अच्छा, हेलो प्रणाम जी। हाँ जी हाँ जी, आप सुखपाल जी हमारी दीदी जी। हम तो सुखपाल में बैठ के बट पीपल की तीसरी भूम की छज्जों पे लग जाएंगे हम, रस्तों में नहीं पड़ेंगे, सुखपाल में सारी छवि देखते हुए, वनों की घूमते हुए, पशु पक्षियों का आनंद लेते हुए, बट पीपल की चौकी पे जो जाता है उस पे उतरते हैं सुखपाल छत पे, तो वहां से बट पीपल की चौकी में से रास्ता है फूलबाग और नूरबाग जाने के। ठीक है, एक रास्ता ये हो गया। अब और सुंदर साथ कहाँ से आएंगे? ठीक है, और हाँ बिल्कुल ठीक है, हमें दो तीन रास्ते हमारे पास है। हम राज्जी को श्रृंगार करा के मंदिर के अंदर से भी आओ, अंदर से आओ, और एक रास्ता और है। और कहाँ से आएंगे? प्रणाम जी। हाँ दीदी, श्रृंगार पड़साल में होता है, तीसरी भोम की, तीसरी भोम की पड़साल से मैं फर्स्ट जो बाहरी हार मंदिरों की है उसमें से होती हुई पश्चिम की दिशा में आ जाऊंगी। नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकते? अरे वाह, क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, ये देखो आएंगे क्यों नहीं। दिशा में आके उसके एक दरवाजे से बाहर आके फिर हम फूल बाग में आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। जो इन्होंने रास्ता बताया मैं उसकी एक पिक्चर बता रही हूँ कैसे आना है। सब सुंदर साथ को भी वो रास्ता समझ में आना चाहिए। मान लो मैं तीसरी भूम की ये पड़साल में हूँ, वहां ये 28 स्तंभ का चौक आता है, और आगे आते हैं तो हम हमारी दहलान चबूतरा, फिर इधर जो मंदिर चलते हैं, याद है कितने कितने मंदिर हैं इधर की साइड? इधर कितने मंदिर हैं? बीच में दहलान हमारी कितने मंदिर की थी तीसरी भूम की पड़साल में? तीन तीन मंदिर है ना दाएं बाएं? हाँ दाएं बाएं तीन तीन मंदिर हैं। वो मंदिर से हम नीचे उतरेंगे कि सीधा ही? वो मंदिर ऊंचे हैं नीचे हैं पड़साल में? तीन आंटी कोई अनम्यूट करो। हाँ तीन सीढ़ी नीचे उतरेंगे, तो जो रास्ता वो बता रही हैं
इधर से बता रहे हो ना आंटी, उन्हीं को एक बार अनम्यूट कर दो जो वो रास्ता बता रहे थे। ये रास्ता यहाँ से मंदिरों की, ये जो, हाँ जी आंटी आप यही वाला रास्ता बता रहे हो ना? नहीं, पड़साल से फिर हम दहलान में चबूतरे पे आ जाएंगे, ठीक है? चबूतरे से फिर हम 28 स्तंभ के चौक से होते हुए जो सेकंड 6000 मंदिरों की हार है, या फिर है। जो वहां से होते हुए हम फिर आ जाएंगे पश्चिम की दिशा में। पश्चिम की दिशा में आने के बाद हम दो, ये दो स्तंभों की हार को पार करके फिर फर्स्ट जो किसी भी मंदिर में से बाहर दरवाजे से बाहर निकल के और उस पे आ जाएंगे परिकर्मा पे, परिकर्मा से हम बिल्कुल। ये रास्ता उन्होंने बताया जो मैंने दिखाया, ये वाला। अब एक रास्ता और बताओ सुंदर साज जी, एक रास्ता और। कालिंदी जी म्यूट कर दो, थोड़ी आवाज आ रही है। हाँ जी, एक रास्ता और बताओ, थोड़ा म्यूट कर दो जिधर भी आवाज आ रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं तो परसाल से फिर परिक्रमा रॉस लेके भी हम पीछे की तरफ जा सकते हैं, पश्चिम की तरफ, पूरी बाहर से परिक्रमा रॉस से होते हुए पश्चिम की तरफ और फिर फूलबाग के चांदनी पे पहुंच जाएंगे। ये देखो हमारी दहलान दिख रही है यहाँ पे, ये बीच वाली, ये तीसरी भूम का है, यहाँ ये बीच वाली जगह। अब मैं परसाल में आ गई यहाँ से, अब मुझे बताओ दीदी आप एक बार अनम्यूट ही रहो, यहाँ से क्या होगा, ये परसाल से क्या करोगे? परिक्रमा रॉस ले लेंगे। हाँ नहीं तो ये सीधी सीधी चल रही है, लेवल बराबर है परिक्रमा हमारी? नहीं, परिक्रमा हमारी तीन सीढ़ी नीचे उतरता, नीचे उतरना है। ये जरूर याद रखना है कि तीन सीढ़ी, ये चीज हमारी ऊपर थी, हम मंदिरों से आते थे तो हमें इस परसाल पे पहुंचने के लिए हम तीन सीढ़ी ऊपर चढ़ते थे, तब इस वाली जगह पे हम पहुंचते थे। अब यहाँ आ रहे हैं तो हमारी इस परिक्रमा में उतरने के लिए तीन सीढ़ी नीचे उतरेंगे, तो ये पूरी परिक्रमा घूमते हुए पीछे से हम इस परिक्रमा रोज पे जा सकते हैं, पूरी चांदनी पे जाएंगे। और जब चांदनी पे, मान लो ये पश्चिम की दिशा है, अब यहाँ से हमारे छज्जे मिले हुए हैं, इस छज्जे से पेड़ों की डालियां मिली हैं, तो ये मैं पश्चिम की दिशा में जब पहुंच गई तो मुझे हल्का सा एक सीढ़ी जैसे होता है ना, एक बगीचे की जो सीढ़ी नीचे उतरेगी और हम चांदनी पे पहुंच जाएंगे, जैसा लिखा हुआ है मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ पिक्चर, कि एक सीढ़ी नीचे, क्योंकि छज्जों से यहाँ पे मिलान होगा, यहाँ से ये जो कॉर्नर है ना, ये छज्जे बड़े हुए, यहाँ से डालियां मिलेंगी, तो मैं परिक्रमा रोड से आ रही हूँ, उतना जगह हमारा कठेड़ा खुल जाएगा और उससे हम एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे, एक सीढ़ी नीचे उतरते ही हम चांदनी पे पहुंच जाएंगे। तो ये रास्ते हमारे हो गए, एक तो सुखपाल द्वारा हमें एक सुंदर साथ ने घुमाया, एक अंदर से मंदिर के अंदर से और एक बाहर से, तीसरी चांदनी पे हम पहुंच जाएंगे। अब दूसरी भूम में हम कल घुमाएंगे कि दूसरी भूम से आप फूलबाग की दूसरी भूम में कैसे जाओगे, तो उसका रास्ता भी हमें आना चाहिए दूसरी भूम से, है सेम ही रास्ता होगा, बस भुलवनी के मंदिर की शोभा को देखते हुए राज्य के साथ भुलवनी का खेल खेल के यदि मैंने फूलबाग आना है तो सेम बात होगी, दो मंदिरों की हार को पार करेंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे वहां से, तो दूसरी भूम में पहुंच जाएंगे। तो ये हमारी फूलबाग नूरबाग की शोभा कंप्लीट हुई है आज, पूरे छज्जों का मिलान हमने, अंदर की सैर करी कि कैसे हम रंग महल से फूलबाग कैसे जा सकते हैं और नीचे से भी कैसे जा सकते हैं, बट पीपल की चौकी से कैसे घूम सकते हैं, तो हर तरह से घूमना आना चाहिए। अब हम चलते हैं श्री जुगलदास महाराज जी के व्रत को पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे सातवां हरफ, छह हरफ हमने पढ़ ली हैं, सातवां हरफ। और सातवां हरफ ये है कि रात दिन पतिव्रता जैसी सेवा और जारवंती जैसा स्नेह अचल अखंड रखना चाहिए। स
सिवाय एक के अलावा दूसरे को स्वप्न में या जागृत में नहीं जानना चाहिए। यानी जागृत में तो एक को ही देखें, लेकिन स्वप्न में भी उस एक के अलावा और किसी को ना देखें ना जाने। आशु आप इसको क्लियर कर सकते हो? आशु हाँ जी दीदी हाँ इसको और करो क्लियर। सुंदर साथ जी इसका मायना यही समझ में आ रहा है कि जागृत रहते हुए अगर हमें जागृति आ जाएगी तो हम एक राजी महाराज को ही देखेंगे, और अगर हम स्वप्न में ही रहेंगे इस माया में रहेंगे तो हम एक के अलावा किसी को ना देखेंगे। हाँ। ये क्या हुआ? यानी जागृत में तो एक को देखें लेकिन स्वप्न में भी। जागृत का मीन्स वहां, मतलब कि मान लो मेरी जागृति हो जाती, मतलब मैं आत्म से आत्म जागृति हो जाती है, और स्वप्न मीन्स हम पूरे जागृत नहीं भी हुए हैं फिर भी हमें इलम से तो राज्जी का पता चल रहा है ना। हमें ये सब अभी मान लो मेरे को मूल मिलावे में राज्जी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन इलम से तो मुझे सब पता चल रहा है ना, सब कुछ ज्ञान हो रहा है, वो भी एक राज्जी की जागृत अवस्था ही होती है। तो उस स्वप्न में भी हम उसके अलावा किसी को ना देखें, यही बनता है ना। आगे पीछे ऊपर नीचे मन वचन कर्म से एक को ही जाने। कोई और सुंदर साथ भी बताना चाह रहे थे क्या? और एक को ही। हाँ शिनु आप बता सकते हो, कोई बात नहीं, आप यदि बताना चाह रहे हो तो जरूर बताओ। हर सुंदर साथ मिलके बात करेंगे। हाँ मुझे आशी दीदी भी बता रही है, आशी दीदी को अनम्यूट करो। शाम को ही ले आना। बाला दीदी आपका अनम्यूट हो गया है। हाँ जी हाँ जी प्रणाम जी। हैंड रेस किया था। हाँ हाँ मैं, मेरा पहले अनम्यूट ही नहीं हो रहा था, अब हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मीनू जी। हाँ जी हाँ मैं भी यही कह रही थी, परम धाम में तो हम जागृत हैं ही से ही, वहां हर समय राज राज करते ही है तू ही तू। लेकिन राजी महाराज कह रहे हैं सपने में भी संसार में भी हमें वही पहचान होनी चाहिए। ठीक है, जो आप हरफ की बात कर रहे थे उसी से रिलेटेड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी आशी दीदी आप क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक है, सबके अपने अपने भाव। आशी दीदी को भी यही, आशी दीदी को अनम्यूट करो। हाँ जी अनम्यूट कीजिए। अरे आवाज मेरी। हाँ जी हाँ जी तो मेरे मन में अभी अभी आया है, अभी अभी है ना कि प्रैक्टिकली जो हम अपने दिन भर में है ना 24 घंटों में से एक घंटा जब चितवन में होते हैं तब तो सब राज्य को ही देखते हैं है ना, तो बाकी के 23 भी हमें राज्य ही नजर आए, क्योंकि अभी वो अवस्था तो नहीं कि हम वहां उठ गए। अगर एक में वहां राज्य को देख रहे हैं तो बाकी के 23 घंटे भी सुरता हमारी वही रहनी चाहिए। सुपर काम चौपाई भी तो यहाँ पे है कि पार वतन जो सुहागनी ताकि नेक कहो पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निधान। जो सुहागिन है पतिव्रता साधन से जो चलती है वो जागृत है कि सुपन में है कि कैसी भी अवस्था में है, वो सिर्फ अपने महबूब अपने खाविंद अपने पति को ही दिल में बसाएगी। अब वो अर्श में है फर्श में है जागृत है सुपन है कुछ नहीं भी नजर तहां निदान, सिर्फ नजर उसकी अपने महबूब की नजरों में महबूब के चरणों में उनके दिल में ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चौपाई से और भी हमें बात खुल गई अच्छे से। तो आगे पीछे ऊपर नीचे पुष्पा आंटी भी कुछ बोल रही, कोई बात नहीं उनको भी अनम्यूट करो, जो भी सुंदर साथ बताना चाह रहे। हाँ जी अनम्यूट कीजिए पुष्पा आंटी। हाँ जी प्रणाम जी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है दीदी। खाते पीते खेलते सोवत सुपन जागृत दम ना छोड़े माशूक को जाकी असल हकीकत। हाँ जी
वो एक पल के लिए भी नहीं छोड़ेगी, खाते हुए पीते हुए सोते हुए जागते हुए हर पल अपने धनी को ही याद रखे, यही उसकी पहचान है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल। देखा, दो चुपाई हमें उससे रिलेटेड मिल गई। आगे पीछे ऊपर नीचे मन वचन कर्म से एक को ही जाने और एक को ही माने। यहां तक की शोभा भी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।